हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपको आज की इस वीडियो में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग किलोग्राम के सवाल को बनाएंगे। दोस्तों, किलोग्राम का सवाल होता है कि इतना केजी का मूल्य इतना रुपया, तो इतना केजी का मूल्य क्या होगा। तो दोस्तों, ऐसा ही सवाल को हम लोग बनाने वाले हैं। दोस्तों, एक सवाल मेरे सामने है, 2 केजी प्याज का मूल्य 80 रुपया है, तो 3 केजी 800 ग्राम प्याज का मूल्य इसका निकालना है। तो चलिए दोस्तों, इसको स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हमको दिया गया क्या है, तो दिया गया है 2 केजी प्याज का मूल 80 रुपया है। तो लिख देंगे दोस्तों, 2 केजी प्याज का मूल कितना है, तो 2 केजी प्याज का मूल 80 रुपया है। तो सबसे पहले हम लोग 1 केजी प्याज का मूल निकालेंगे। तो दोस्तों, 2 केजी प्याज का मूल 80 रुपया है, तो 1 केजी प्याज का मूल क्या होगा, तो 80 में 2 से भाग दे देंगे, इसलिए हो जाएगा दोस्तों 1 केजी प्याज, 1 केजी प्याज का मूल 80/2 यानी कि हो जाएगा 40 रुपया। दोस्तों, 2 केजी प्याज का मूल्य हो गया 80 रुपया, और 1 केजी प्याज का मूल्य कितना हो जाएगा, तो 80/2 यानी कि 40 रुपया। अब हमको निकालना क्या है, तो 3 केजी 800 ग्राम प्याज का मूल्य निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग 3 केजी प्याज का मूल्य निकाल लेंगे। तो दोस्तों, 3 केजी प्याज का मूल्य, 3 केजी प्याज का मूल्य, तो दोस्तों 1 केजी प्याज का मूल्य कितना आया है, तो 40 रुपया। इसलिए 3 केजी प्याज का मूल्य बराबर कितना हो जाएगा, तो 40 गुने 3 बराबर हो जाएगा कितना, तो 120 रुपया। दोस्तों, 1 केजी प्याज का मूल्य कितना है, तो 40 रुपया, इसलिए 3 केजी प्याज का मूल्य बराबर हो जाएगा 40 गुने 3 यानी कि 120 रुपया। अब हमको निकालना है 800 ग्राम कितना, तो 800 ग्राम का मूल्य, 3 केजी का मूल्य निकल गया 120 रुपया, 800 ग्राम का मूल्य निकालना है। तो दोस्तों, 1 केजी का मूल्य कितना है, तो 40 रुपया। तो दोस्तों, सबसे पहले हम लोग 100 ग्राम का मूल्य निकालेंगे, तब 800 ग्राम का अपने आप निकल जाएगा, उसमें 8 से गुना कर देंगे। तो दोस्तों, 1 केजी प्याज का मूल्य कितना है, तो 40 रुपया। दोस्तों, 1 केजी प्याज का मूल्य 40 रुपया है। तो दोस्तों, 100 ग्राम प्याज का मूल्य निकालने के लिए ट्रिक होता है कि 1 केजी का मूल्य जितना है उसके मूल्य में इधर से एक अंक बाद दशमलव दे दिया जाता है। तो दोस्तों, 1 केजी का मूल्य कितना है, तो 40 रुपया। तो दोस्तों, इधर से एक अंक बाद दशमलव दे देंगे, तो यानी कि कितना हो जाएगा, तो 4 रुपया। तो दोस्तों, 100 ग्राम प्याज का मूल्य कितना हो जाएगा, तो 4 रुपया। तो दोस्तों, हमको निकालना है अब 800 ग्राम का, तो निकाल देंगे 800 ग्राम। तो दोस्तों, 800 ग्राम प्याज का मूल्य हो जाएगा, 100 ग्राम प्याज का मूल्य है 4 रुपया। तो 800 ग्राम का निकालने के लिए 4 में 8 से गुना कर देंगे, तो यानी कि 32 रुपया। अब दोस्तों, आपको सिंपल से क्या करना है, निकालना क्या है, तो 3 केजी 800 ग्राम प्याज का मूल्य। तो दोस्तों, 3 केजी का मूल्य कितना आया है, तो 120 रुपया। तो दोस्तों, अब हमको कुल मूल्य निकालना है, कुल मूल्य यानी कि 3 केजी 800 ग्राम प्याज का मूल्य। तो कुल मूल्य बराबर क्या हो जाएगा, तो दोस्तों, 3 केजी का मूल्य कितना आया है, तो 120 रुपया, और 800 ग्राम का मूल्य कितना है, तो 32 रुपया। अब सिंपल से सबको जोड़ देना है, तो जोड़ेंगे तो 0 में 2 जोड़ेंगे तो 2, 2 में 3 जोड़ेंगे तो 5, और 1 है तो 1, यानी कि दोस्तों हमारा कितना हो जाएगा, तो 152। दोस्तों, 2 केजी प्याज का मूल्य 80 रुपया है, तो 3 केजी 800 ग्राम प्याज का मूल्य कितना हो जाएगा, तो 152 रुपया। दोस्तों, यह वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आपको इस तरह से वीडियो मिलती रहेगी।